नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि पीलिया जैसे रोग से घर पे ही कैसे निपटा जा सकता है। आपको बता दें कि पीलिया होने के बाद आप दाल का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। दाल कोई भी नहीं खानी चाहिए, इसकी जगह पे आप उबला हुआ पालक लें। पीलिया रोग के चलते शरीर बिल्कुल टूट जाता है और कमजोरी आ जाती है। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेना तो आवश्यक ही है, इससे में आप घरेलू उपचार से भी ठीक हो सकते हैं। इससे पहले जानते हैं कि पीलिया के लक्षण क्या हैं। पीलिया के लक्षण हैं रक्त की कमी, त्वचा और आंखों का पीला होना, कमजोरी, सिर दर्द व बुखार, मिचली, भूख न लगना, थकावट, कब्ज, आंख, जीभ, त्वचा और पेशाब का रंग पीला होना। इसके घरेलू उपचार बताने से पहले आपको बता दें कि पीलिया होने के बाद कैसा खान पान रखना चाहिए। भोजन और नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए, लेकिन स्थिति बेहद खराब हो तो आराम करना चाहिए। 5 दिन उपवास करें और इस दौरान फल जैसे संतरा, नींबू, नाशपाती, अंगूर, गाजर, चुकंदर व गन्ने का रस पिएं। उपवास के बाद सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़कर पिएं। नाश्ते में अंगूर, पपीता, नाशपाती और गेहूं का दलिया लें। रोगी को रोजाना गर्म पानी का एनीमा दें, इससे आंतों में मौजूद विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और रक्त साफ हो जाता है। मुख्य भोजन में उबली हुई पालक, मेथी, गाजर, गेहूं की 2 चपाती और 1 गिलास छाछ लें। दोपहर में नारियल का पानी भी पिएं। रात के भोजन में 1 कप उबली हुई सब्जियों का सूप, गेहूं की 2 चपाती, उबले हुए आलू और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे मेथी, पालक, बथुआ, सरसों आदि खाएं। रात को सोने से पहले फैट फ्री दूध 2 चम्मच शहद मिलाकर लें। प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां और फलों का जूस पिएं। 1 नाशपाती खाने से भी लाभ होगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी वैद्यों एवं आयुर्वेदाचार्यों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरी विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।